एक जोरदार धमाके के साथ डेल जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उसने और भी भयानक दृश्य देखा। एक गाय किसी चीज से कट गई थी और जमीन पर एक लंबी दरार पड़ गई थी। डेल उत्सुकतावश गाय के शरीर को छूने के लिए आगे बढ़ा। एक तेज विद्युत प्रवाह ने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। उसे कुछ एहसास हुआ। डेल फिर से बाहर पहुंचता है। एल निश्चित ही वहां एक अदृश्य दीवार थी उसके सामने। कुछ ही समय बाद कई कौवे अचानक उसके सामने आसमान से गिर पड़े। सबकी गर्दनें टूटी हुई थी और हवाई जहाज डेल के सिर के ऊपर से उड़ गया। विमान के गिरते हुए टुकड़े लड़के से टकराने ही वाले थे। डेल ने तुरंत लड़के को धक्का देकर उसकी जान बचाई। जल्द ही एक फायर ट्रक उनकी ओर आ रहा। डेल को एहसास हुआ कि वे अदृश्य दीवार से टकराने वाले थे। वह खड़ा रहा सड़क और उन्हें रुकने के लिए हाथ। आखिरकार फायर ट्रक रुकने में कामयाब। गुस्साए फायरमैन डेल के साथ बहस करने के लिए तैयार। फायरमैन गुस्से में भाग के डेल की तरफ आता है तो वो अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। फिर डेल फायरमैन को सारी कहानी बताता है।